भारत का निर्माण हो रहा है। और कैलारस वालों नोट कर लेना, अपनी आंखों के सामने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही भारत विश्व गुरु बनेगा, कोई रोक नहीं सकता। हमारा देश आज तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रदेश में जो काम किया है आज बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी में बुनियादी अंतर देखिए। आप खुद बताइए, विकास के जितने काम भाजपा ने किए, मैंने किए, कभी कांग्रेस ने किए थे क्या? कोई तुलना ही नहीं, कांग्रेस कभी कर ही नहीं सकती। और कांग्रेस की हालत तो आजकल बड़ी अजीब हो गई है, अच्छे लोग सब कांग्रेस छोड़ रहे हैं। आप बताओ, अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण हुआ तो सबको खुशी हुई कि नहीं हुई? जोर से बोलो, हुई कि नहीं? पूरा देश प्रसन्न था, आनंद उत्सव मनाए जा रहे थे, बहनों ने दीपक जलाए, नौजवानों ने केसरिया झंडे फहराए, पूरा देश प्रसन्न था। लेकिन एक पार्टी रो रही थी, क्या नाम उसका? जोर से बोलो। उनको निमंत्रण दिया, लिखित में निमंत्रण अस्वीकार किया, ऐसा लगता उनकी बुद्धि पे जैसे मंथरा बैठ गई हो, मंथरा। बताओ, उनको जाना चाहिए था कि नहीं? जाना चाहिए था कि नहीं? जाको प्रभु दारू दुख दे ही, बाकी मती विनाश काले विपरीत बुद्धि, उल्टे सीधे फैसले कर रहे हैं। अभी सैम पित्रोदा जी जो राहुल गांधी जी के राजनीतिक गुरु हैं और राजीव गांधी के सलाहकार, स्वर्गीय राजीव जी के सलाहकार, उनने कहा भारत में विरासत टैक्स लगना चाहिए। अब ये विरासत टैक्स क्या है? अगर आप अपना पेट काट के अपने बच्चों के लिए कुछ पैसा बचा के रखते हो, संपत्ति खरीदते हो और कोई चीज ऐसी है जो मरते समय देना चाहते हो, तो अगर विरासत टैक्स लग गया तो इसका 55% भाग सरकार हड़प लेगी, अपने बच्चों के पल्ले केवल 45% ही पड़ेगा। ये विरासत टैक्स अमेरिका में लगता है, लेकिन अमेरिका भारत नहीं है, भारत भारत है। बताओ, ऐसा कोई टैक्स लगना चाहिए क्या? और इसलिए मैं कह रहा हूं, एक नहीं अनेकों फैसले कांग्रेस के ऐसे हैं जो कांग्रेस को तबाह कर रहे हैं। आप खुद बताओ, कांग्रेस आज हमारी भलाई का कोई काम कर सकती है क्या? जोर से बताओ, कर सकती है क्या? मोदी जी फिर से आ रहे हैं और मध्य प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है। कई लोग उस समय कहते थे जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, बड़ी मुश्किल है, बीजेपी जीत नहीं सकती। कांग्रेस के कई लोगों ने तो शपथ के लिए सूट सिलवा दिए थे, लेकिन मैं कहता था मामा अभी जिंदा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन के रहे। आज फिर भाजपा की सरकार मोहन जी के नेतृत्व में है और प्रदेश की भलाई के लिए काम कर रही है। और इसलिए भोपाल में भी बीजेपी और दिल्ली में भी बीजेपी, और भोपाल में अब नरेंद्र सिंह तोमर जी तो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, आपके लिए सब सौगातें लेके आएंगे। और मामा भी अब दिल्ली जा रहे हैं, ये याद रखना, और खाने पे लेने जा रहा हूं, बड़ा काम करने ही जा रहा हूं, चिंता बिल्कुल मत करो। धूमधाम से जा रहे हैं, चिंता मत करो, 11 चुनाव में जीत चुका और 12 भी धूमधाम से जीत के आने वाला हूं। और इसलिए दिल्ली से भी सौगातें लेके आएंगे, कैलारस के लिए भी। आप सबको मुझ पर विश्वास है, जोर से बताओ, विश्वास है। तो आज ये निवेदन करने आया, पार्टी मेरे लिए मां के जैसी है, चार चार बार मुझे मुख्यमंत्री बनाया, 6 बार विधायक, 5 बार सांसद, अब 6वीं बार सांसद बना रही है। और मामा का पूर्ण विराम नहीं है, पिक्चर अभी बाकी है, चिंता मत करना, बिल्कुल किसी की हालत।
मैं निवेदन इतना करने आया हूं कि शिवमंगल सिंह तोमर को मेरे साथ भेज दो यार। और शिवमंगल जाएंगे तो अकेले शिवमंगल नहीं जाएंगे, शिवराज सिंह चौहान उसके पीछे आपकी सेवा के लिए खड़े रहेंगे। कोई कसर मैं भी नहीं छोड़ूंगा। तोमर जी का अपना प्रभाव और असर है, दूसरे को वोट देने का क्या फायदा, कोई फायदा नहीं है सच। और इसलिए मैं आज हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करने आया हूं। भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक रूप से मेरी मां है, उसका सम्मान रखना मेरे बहनों और भाइयों, उसका सम्मान रखना। और इसलिए एक एक वोट हमारा भारतीय जनता पार्टी को मिले, कमल के फूल को मिले, शिवमंगल तोमर को मिले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिले, जिन्होंने भारत को इतनी ऊंचाइयों पे ले जाने का काम किया है। और उन्हीं के नेतृत्व में बाकी बचे काम भी अपने पूरे होंगे। और इसलिए आप सबसे मेरी प्रार्थना है, कमल के फूल की बटन दबाएं, भारतीय जनता पार्टी को जिताएं। शिवमंगल तोमर आपकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, हम छोड़ने भी नहीं देंगे, साथ लग के काम करेंगे। और आपके विकास की और कल्याण की जवाबदारी भी आज विनम्रता पूर्वक मैं स्वीकार करता हूं। मैं आपको वचन देता हूं कि मैं जीऊंगा तो आपके लिए, और अगर कभी मरना पड़ा तो मरूंगा भी आपके लिए। चिंता मत करना, आपकी सेवा में सदैव लगा रहूंगा। आपका आशीर्वाद शिवमंगल को मिले, भारतीय जनता पार्टी को मिले, यही प्रार्थना है। बोलिए, सबका आशीर्वाद मिलेगा।